ये पूरी की पूरी ओ नेगेटिव चार्ज बूम बूम वे में सिलिकॉन को उड़ा देगी। ये आज तक के मानव इतिहास का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन गेन एंथैल्पी। सल्फर का साइज बहुत ह्यूज हो जाता है, तो ह्यूज साइज के वजह से। हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी 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 वेलकम टू आई एक्सप्लेन्स। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, एक बहुत ही एक्सक्लूसिव टॉपिक चूज किया गया है जेई मेंस एडवांस नीट और डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, जो एक सदाबहार एवरग्रीन टॉपिक माना जाता है इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए। जैसा कि आप पोस्टर देखा ही होगा आपने, हम बात करने जा रहे हैं बेसिसिटीज की। मतलब बेसिसिटीज ना सिर्फ नाइट्रोजन की बल्कि कार्बन की और ऑक्सीजन की, ऑल टाइप ऑफ बेसिस की। ये बेसिस किस तरीके से केमिस्ट्री में आते हैं और इनकी बेसिसिटी कैसे डिसाइड होती है, बिकॉज गाइज लगातार 10 सालों के अंदर आप पाएंगे 70-80% क्वेश्चन बेसिसिटी से रहे हैं और 30% क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ से रहे हैं। तो गाइज, बेसिक स्ट्रेंथ को समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है यूजिंग सम शॉर्टकट ट्रिक्स एंड डिटेल कॉन्सेप्ट्स। तो गाइज, आपके पास कुछ ट्रिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ बूम बूम एनर्जी से भरे हुए जबरदस्त टॉपिक आपके पास एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो पूरी एनर्जी के साथ, जुनून के साथ, रिदम के साथ डेडिकेटेड होकर जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज आपके गुरुजी मचाने के मूड में हैं। तो गाइज, चलिए एक साथ मिलकर स्टार्ट करते हैं। लेट्स ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गाइज मेक श्योर आप पेन और नोटबुक लेके बैठे, बिकॉज अगर आप इसको कहानी के जैसा सुनेंगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। पेन और नोटबुक लेके बैठे और जितनी भी इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी आपको क्या करना है, पैरेलली नोट करते जाना है ताकि आपका एक बढ़िया सा नोट्स बन जाए। ओके गाइस, नाउ क्लोज योर आईज फॉर 3 और 4 सेकंड एंड टोटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए हमारे साथ, मेरी और आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुकी है, कुछ कंस्ट्रक्टिव आउटपुट आएगा ना, आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं एफसी, डीसी और एसी ट्रिक की। अब ये कौन सी ट्रिक है ये आपको कहीं मिलेगी नहीं, ये एक्सक्लूसिवली मैंने डिजाइन किया है और लंबे टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपके साथ आज फर्स्ट टाइम ऑनलाइन साझा करूंगा इसको, तो ध्यान से देखना गाइज। ये है क्या गाइज, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं बेसिसिटी की। बेसिसिटी सिंपली हो सकता है हम बी माइनस की बात कर रहे हो, या हो सकता है हम इस लोन पेयर वाले बेस की बात कर रहे हो। ठीक है, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही दो केसेस होते हैं, या तो मान लीजिए नेगेटिव चार्ज होगा जैसे CH3- NH2- OH-, या हो सकता है लोन पेयर होगा जैसे हो गया NH2 हो गया, अमीन्स हो गए, या H2S टाइप के S के लोन पेयर हो गए, या थायो ईथर्स हो गए, या डिफरेंट डिफरेंट काइंड के अमीन्स हो गए, कॉम्पैक्ट अमीन्स और बाकी चीजें। तो गाइस, हो सकता है लोन पेयर रखता हो सकता है नेगेटिव चार्ज रखता हो। तो गाइस, सबसे पहली चीज, FC का मतलब होता है फॉर्मल चार्ज। क्या होता है गाइस, सबसे पहला फॉर्मल चार्ज। अब गाइस, फॉर्मल चार्ज का मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर एटम के ऊपर ओवरऑल कितना ओरिजिनल या हाइपोथेटिकल चार्ज है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है गाइस, समझते हैं। अब देखो गाइस, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चार्ज का सीधा सा मतलब होता है बेस के केस में कोई भी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब भी बेस की बात आएगी कोई नेगेटिव चार्ज की बात होगी, पॉजिटिव चार्ज वाले बेस नहीं होते। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, कि हो सकता है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, याद रखना जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपने इसका देख लिया CH2 के ये दो इलेक्ट्रॉन और आप बोलने लगोगे भाई साहब ये बेस है, जी ये बेस नहीं है, एक्चुअली ये एक एसिड है, दिस इज अ लुईस एसिड, और इसका रीजन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो गाइस, हमेशा आंख बंद करके इलेक्ट्रॉन पेयर देख के गिनती मत करना, जरा अपना लॉजिक भी लगाना। ये कार्बिन का एग्जांपल है, ये आपको मिथिलीन कार्बिन है, मिथाइलीन कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, हमें क्या चेक करना है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, नेगेटिव चार्ज चेक करना या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करना। ठीक है गाइज, अब देखो, जितना ज्यादा फॉर्मल चार्ज होगा, जितना ज्यादा फॉर्मल चार्ज होगा वो सिस्टम उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा, और वो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा खुद को स्टेबलाइज करने के लिए उस बेस में H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हाई होगी। इसकी जो टेंडेंसी होगी ये बहुत हाई होगी, मतलब जो जितना अनस्टेबल होगा, ध्यान से देखो, जो जितना अनस्टेबल होगा एच प्लस का गेन करने में उसको उतना मजा आएगा, उतनी शिद्दत के साथ वो एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा। सीधा सा फंडा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा सकता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। जैसे कि गाइस, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि आपको दिया जाता है, क्या दिया जाता है, NH3, और आपको दिया जाता है गाइस NH2 माइनस, और गाइस आपको दिया जाता है NH2 माइनस।
अब गाइस जरा इस पे विचार करो, क्या आपको दिख रहा है? अगर यहां भी देखेंगे तो किसी भी तरह का फॉर्मल चार्ज नजर नहीं आ रहा, न्यूट्रल है। यहां देखेंगे गाइस फॉर्मल चार्ज हमें -1 नजर आ रहा है, यहां देखेंगे फॉर्मल चार्ज हमें -2 नजर आ रहा है। तो गाइस इसमें से सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? दिस इज मोस्ट अनस्टेबल। और इसका रीजन क्या है? चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, चार्ज हो गया -2, एरिया है बहुत ही स्मॉल, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? मैक्सिमाइज हो गई, जिसके वजह से ये सिस्टम बहुत अनस्टेबल है। तो प्रोटॉन अगर मैं इसको दूंगा, प्रोटॉन इसके पास जाएगा एसिड, तो ये बहुत जोरदार तरीके से इसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, खींचेगा। इसके पास जाएंगे तो यहां पर भी खिंचाव बहुत जबरदस्त है, पर उतना नहीं है जितना यहां था, और यहां पर भी जाएंगे तो खिंचाव जबरदस्त है। किसका? इस इलेक्ट्रॉन पेयर के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो H+ को बूम से खींच रहा है, तो यहां पर भी खिंचाव है। तो गाइस जितना खिंचाव यहां है अनस्टेबिलिटी की वजह से, उतना यहां नहीं है, जितना यहां है उतना यहां नहीं है। तो ऑर्डर क्या हो गया बेसिसिटी का? ये हो गया, सिंपल सा फंडा है गाइस। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, कैसे समझ सकते थे? आप इनको पीके वैल्यू से भी समझ सकते थे गाइस। अगर हम नॉर्मल पीके वैल्यू की बात करते हैं अमोनिया के केसेस में, तो ये कितना होता है? ये होता है गाइस 9.2, और गाइस ये होता है 38, और इसका गाइस कोई भी नोन नहीं है। तो आपको पता है गाइस पीके वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, लॉजिकली भी समझ में आ रहा है, डेटास के हिसाब से भी चेक किया जा सकता है। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, रुको गाइस। इसी फंडा का हम यहां भी यूज कर सकते हैं। कहां पे गाइस? अगर मान लो H2O है, इससे ज्यादा बेसिक OH- होगा, इससे ज्यादा बेसिक O2- होगा, सेम फंडा से होगा या नहीं होगा, आप बताते जाएं। अच्छा गाइस वैसे ही हम लगा सकते हैं CH3NH2 से ज्यादा बेसिक हमारे पास CH3NH- होगा, और इससे ज्यादा बेसिक हमारे पास CH3N2- होगा। उसी तरीके से गाइस हमारे पास H2S से ज्यादा बेसिक SH- होगा, SH से ज्यादा बेसिक S2- होगा, होगा ना? ये सारा का सारा खेल किसका था? फॉर्मल चार्ज का खेल था। समझ में आ रही है बात गाइस? ध्यान से बताना, बात समझ में आ रही है ना? क्लैरिटी के साथ मैंने आपको दिखा दिया फॉर्मल चार्ज का क्या रोल है। ओके गाइस, अब एक दिमाग में सवाल आता है कि गुरुजी मान लो कि अगर फॉर्मल चार्ज सेम हो, इफ फॉर्मल चार्ज इज सेम, और एटम अगर डिफरेंट हो, तो गुरुजी आप तब कैसे एक्सप्लेन करोगे? दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल आपके दिमाग में आया है। तो गाइज मैं आपको इसका भी लॉजिक समझाता हूं। गाइज मान लो कि हमारे पास है CH3-, हमारे पास है NH2-, हमारे पास है OH- और हमारे पास है F-। गाइज यहां पे देखो फॉर्मल चार्ज इन सब के पास -1 -1 -1 -1 है, तो फॉर्मल चार्ज देखा जाएगा। अब क्या गाइज करना है इस तरह के केसेस में? आपको चेक करना है नेचर ऑफ एटम। क्या चेक करना है? नेचर ऑफ एटम, ठीक है गाइज। देखो पहले वाले केस में कार्बन पे माइनस है, दूसरे में नाइट्रोजन पे माइनस है, तीसरे में ऑक्सीजन पे माइनस है, और अगले में फ्लोरीन के ऊपर माइनस है। गाइज आपको पता है किसी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा साइज क्या होता है? डिक्रीज होता चला जाता है। साइज क्या होता चला जाता है? डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रिसर्च गेट के डेटास की, तो इसके रेडियाई के हिसाब से भी मैं आपको समझा सकता हूं। ये है गाइस आपका 75 पिकोमीटर, ये है गाइस आपका 74 पिकोमीटर, ये है गाइस आपका 73 पिकोमीटर, 73.2 पिकोमीटर, और ये गाइस आपका है 71 पिकोमीटर। गाइस आप देखो रेडियाई जो है वो धीरे धीरे छोटी हो रही है, लेकिन गाइस अगर तुम ऊपर से नीचे आओगे ना तो एकाएक रेडियाई बढ़ता है, रेडियस क्या होता है? एकाएक इंक्रीज होता है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर ये धीरे 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 छोटा छोटा कम होता है, तो साइज में कोई बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो तुम ये नहीं बोल सकते हो साइज के वजह से, तो गाइस कैसे बोला जाए? तो फिर कैसे एक्सप्लेन किया जाए? कई जगह इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे भी दिया जा सकता है कि एफ सबसे छोटा है, एफ के ऊपर माइनस सबसे अनस्टेबल होगा, इसीलिए एफ सबसे ज्यादा बेसिक होगा, और एक्सप्लेनेशन तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? सिंपल सा फंडा है गाइस, क्या ये जो आपको एनायंस दिख रहे हैं ना, ये जो एनायंस दिख रहे हैं, आप क्या करें इनमें हाइड्रोजन लगा ले। तो गाइस इन एनायन को हम क्या बोल रहे हैं? बेस। तो अगर इसमें हाइड्रोजन लगा लें तो क्या बन जाएगा? कंजुगेट एसिड। तो ये हो गया CH4, ये हो गया गाइस NH3, ये हो गया गाइस H2O, और ये गाइस क्या हो गया गाइस? HF। आज जो भी मैं बता रहा हूं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, और ये मत सोचो कि यही सब है, इससे 50 गुना ज्यादा आज हम ऊपर जाने वाले, इंतजार करो कमिंग सून, पूरी देखना। ओके गाइस, CH4 NH3 H2 HF। अब ये सब क्या है? ये अगर बेस था तो ये इसका कंजुगेट एसिड है। क्या है ये? इसका कंजुगेट एसिड है। अब गाइस अब बताओ ये एसिड सबसे स्ट्रांग है,
ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने बताया था HF इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड नॉर्मल आप जानते हो, और CH4 क्या है, सबसे पुअर एसिड है या नहीं है, सबसे पुअर एसिड है ना। तो गाइस अगर मैं यहां पर चेक करता हूं तो HF वैसे तुम्हें पता है इसका pKa वैल्यू 3.2 होता है, इसका pKa लगभग में 50 होता है, और शायद ही हमने कभी मीथेन को एज एसिड कहीं देखा है। तो गाइस अगर ये बहुत पुअर एसिड है तो हमें पता है ना ब्रोस्टर थ्योरी से कि एक पुअर एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रांग होता है, तो गाइस इसका जो बेस होगा ये क्या होगा, दिस इज सुपर स्ट्रांग, अभी तुम देखोगे दिस इज सुपर स्ट्रांग। गाइस 30 सालों तक साइंटिस्ट ऐसा मानते थे ये बहुत स्ट्रांग है, अब नहीं मानते। 2008 में कोई एक बेस और आया, नाम बताऊंगा लास्ट में, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, और 2018 में कुछ बेसेस और आए ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट के जिसने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो सुपर बेसेस क्या है वो भी लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारे पास सुपर स्ट्रांग, और गाइस ये क्या हो गया, अगर हम इससे कंजुगेट बेस बनाते एफ माइनस, दिस इज वेरी पुअर, दिस इज वेरी पुअर। तो गाइस एक्चुअल ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास, सी एच थ्री माइनस सबसे स्ट्रांग, एन एच टू माइनस, ओ एच माइनस एंड द बेसिक फंडा। तो गाइस आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते थे जैसा कि आपने यहां पे देखा। अच्छा गाइस अब बताओ अगर इसी जगह हमें दे दिया जाता कि भाई साहब एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और आई माइनस को करो, सिंपल सा फंडा है, इनका क्या कीजिए कंजुगेट एसिड बना लीजिए। तो कंजुगेट एसिड क्या बन जाएगा इसका एच एफ, ये क्या बन जाएगा एच सी एल, ये क्या बन जाएगा एच बी आर, ये क्या बन जाएगा एच आई। अब गाइस इनमें से सबसे स्ट्रांग एसिड कौन है, ऑब्वियसली एच आई सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और एच एफ क्या है सबसे पुअर एसिड है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्ट्रांग एसिड का कंजुगेट बेस पुअर होता है, पुअर एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रांग होता है, एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस। गाइस समझ में आ रही बात, बात समझ में आ रही है। तो गाइस सिंपल सा फंडा है, ये कैसे वर्क करता है, तो साइज के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से भी बता दिया। अब गाइस एक चीज फिर से निकल के आती है कि गुरुजी थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में और एक्सप्लेन करो, तुम्हें वो भी मैं समझा दो। अब मान लो गाइस अगर फॉर्मल चार्ज सेम हो, अगर फॉर्मल चार्ज सेम हो ठीक है, और अगर मान लो एटम भी सेम हो, देखो इसको कितने बढ़िया से हो रहा है मेरे भाई, अगर फॉर्मल चार्ज सेम हो और एटम भी सेम हो तो क्या करेंगे, तब हम चेक करेंगे किसकी, एटम की रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटम की रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका क्या मतबल है भाई, जी हाँ मतबल नॉट मतलब, मतबल क्या है इसका इसका मतलब है कि मान लो गाइस अगर हमारे पास एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस है, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस है, और हमारे पास CH3 CH2 माइनस। अब गाइस अगर मैं बोलूं इनमें से बढ़िया बेस कौन है, सिंपल फंडा है, ये वाला गाइस sp है, sp कार्बन, ये वाला गाइस sp2 कार्बन है, ये वाला गाइस sp3 कार्बन है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती है, आपको पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव टर्म होता है, sp2 2.75 है और ये 2.48 है। तो गाइस जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेबिलिटी, तो जो जितना कैपेबल होगा नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने में वो उतना स्टेबल होगा, दिस इज मोस्ट स्टेबल एंड दिस इज लीस्ट स्टेबल, और यही तो हम चेक कर रहे थे, जो जितना अनस्टेबल होगा H+ को गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, दिस इज मोस्ट स्टेबल तो सबसे ज्यादा इसमें, देन इसमें, देन इसमें, तो ये वाला बेस हमारे पास सबसे वीक बेस होगा और ये वाला बेस हमारे पास सबसे स्ट्रांग बेस होगा। बात समझ में आ गई मेरे भाई। अब मान लो इसी तरह का मैं नाइट्रोजन पे भी लगा सकता हूं, देखो नाइट्रोजन पे कैसे काम करेगा, मान लो गाइस हमारे पास है CH3NH2, मान लो गाइस हमारे पास है CH डबल बॉन्ड NH, मान लो गाइस हमारे पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो यहां पे लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, और सबके सब लोकलाइज्ड है, ये वाला नाइट्रोजन गाइस sp3 है, ये वाला नाइट्रोजन गाइस sp2 है, ये वाला नाइट्रोजन गाइस sp है, sp होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये जोर से पकड़ के खींच के रखेगा, डोनेशन में दिक्कत आएगी, सबसे आसानी से कौन डोनेट करेगा sp3 वाला, ऑर्डर क्या हो गया दिस, ऑर्डर क्या हो गया दिस। बात समझ में आ रही भाई, भाई बात समझ में आ रही क्या। तो गाइस ये था ओवरऑल बेसिक सा फॉर्मल चार्ज का फंडा, इतना नहीं है, सिर्फ इतना ही बेसिसिटी नहीं है, बेसिसिटी से 100 गुना ज्यादा है। मैं कोशिश करूंगा एडवांस ओलंपियाड लेवल तक का आपके दिमाग में डाउनलोड किया जाए। मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट। ओके गाइस उम्मीद करता हूं फर्स्ट पार्ट आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, अब टाइम है गियर को ऊपर ले जाने का और नेक्स्ट गियर पे स्विच करने का, तो हो तैयार ना, तो चलिए समझते हैं। तो गाइस
गाइस अभी तक आप समझ चुके हो FC का फॉर्मल चार्ज का क्या रोल होता है। गाइस अब हम बात करने वाले DC की। DC का मतलब डीलोकलाइज्ड चार्ज, ठीक है, डीलोकलाइज्ड चार्ज। सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा पंगा है। गाइस देखो डीलोकलाइज्ड चार्ज का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीलोकलाइज्ड चार्ज। मतलब देखो आपको पता है अगर डीलोकलाइजेशन हो रही है, मतलब अगर रेजोनेंस हो रहा है, या मान लीजिए डीलोकलाइजेशन बैक डोनेशन की वजह से भी हो सकता है, मान लीजिए बैक डोनेशन हो रहा है, ये सारी चीजें क्या करती है, सिस्टम को स्टेबल बनाती है। तो गाइस अगर डीलोकलाइजेशन होगा, अगर डीलोकलाइजेशन का एक्सटेंट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो H+ को एक्सेप्ट करने की चाहत कम होगी, और H+ को एक्सेप्ट करने की चाहत कम होगी तो बेसिसिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी ना गाइस। तो हमें डीलोकलाइजेशन नहीं चाहिए, सीधा सा फंडा है, हमें डीलोकलाइजेशन नहीं चाहिए। मतलब हमें रेजोनेंस नहीं चाहिए, हमें रेजोनेंस नहीं चाहिए, हमें बैक डोनेशन नहीं चाहिए, हमें बैक डोनेशन नहीं चाहिए, और गाइस हमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं चाहिए, और हमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। अगर ये सब आ गए किसी नेगेटिव चार्ज के साथ या लोन पेयर के साथ तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, अगर एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास CH3- है और हमारे पास मान लो CH2CH डबल बॉन्ड CH2 है, और गाइस हमारे पास एक रिंग है, ये वाला रिंग, और यहां पे CH2 माइनस है गाइस। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे एकदम बेसिक से मैं समझा रहा हूं ताकि हर एक बच्चा समझ पाए, यहां पे माइनस है गाइस। देखो सारे के सारे कार्बन बेसेस हैं, इन सबको बोलते हैं कार्बन बेसेस, ठीक है, कार्बन बेसेस, सबके सब कार्बन बेसेस हैं। अब देखो यहां पे गाइस अगर हम देखें पहले एग्जांपल में, तो यहां पे गाइस लोकलाइज्ड चार्ज है, यहां पे डीलोकलाइजेशन हो रही है, यहां पे पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन हो रही है, यहां पे दोनों साइड डीलोकलाइजेशन चल सकता है। तो गाइस हमें डीलोकलाइजेशन ही तो नहीं चाहिए, अगर ये नेगेटिव पूरे में फैल जाएगा तो नेगेटिव की अवेलेबिलिटी तो कम हो जाएगी ना, अवेलेबल तो उतना हो नहीं पाएगा ना ये किसी लुइस एसिड के लिए। तो गाइस सिंपल सा फंडा हो जाएगा, सबसे ज्यादा हमारे पास हो जाएगा एक नंबर पे ये, दो नंबर पे ये, तीन पे ये, और चार पे ये, क्योंकि चार में ह्यूज रेजोनेंस काम कर रहा है, तीन में एक रेजोनेंस रिंग का काम कर रहा है, यहां पे एक डबल बॉन्ड है, और यहां पे कोई भी किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं है गाइस। अब आप सोच रहे हो बैक डोनेशन, गाइस इसका बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे कि मान लो हमारे पास ये N है और गाइस H है, और गाइस यहां से तुम मान लो SI है, और गाइस हमारे पास H और यहां पर H और यहां पर H है, और गाइस यहां पर SI है, यहां पे गाइस H, यहां पर H और यहां पर H है, और गाइस ये इसका लोन पेयर है। अब गाइस एक बात बताओ, अगर हमारे पास ये सिस्टम है और दूसरा सिस्टम गाइस हमारे पास मान के चलो NH3 का सिस्टम है, गाइस आपको क्या लगता है इन दोनों केसेस में कौन ज्यादा बेसिक होगा? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा सर दिस इज मोर बेसिक, और ऐसा हो भी क्यों ना, बिकॉज सिलिकॉन के जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, सिलिकॉन के जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, उसमें ये लोन पेयर क्या होगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। मतलब यहां पे गाइस काम कर रहा है बैक डोनेशन, इसी बैक डोनेशन की वजह से ये अच्छा बेस नहीं होगा। तो पहले बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, एकदम बेसिक एग्जांपल। अब गाइस अगर मान लो हमारे पास CH2OH और यहां माइनस है, और गाइस हमारे पास CH2S और H माइनस है, अब बताओ बढ़िया बेस कौन होगा? आपको लग रहा होगा ये, हाँ नहीं, एक्चुअल में बढ़िया बेस ये नहीं, ये भी नहीं है, यही बढ़िया बेस है। क्यों? क्योंकि सल्फर के पास जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है ये नेगेटिव, उसके साथ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर लेगा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर सकता है। उसी तरीके से गाइस अगर हम बात करते हैं NCl3 में और NH3 में, सेम फंडा काम करता है गाइस। यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर क्लोरीन के वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर डीलोकलाइज हो सकता है, और NH3 में ऐसा नहीं होता, सो NH3 पावरफुल बेस है। गाइस ये तो छोटी छोटी बात थी, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि गाइस मान लो CH2 माइनस है, और मान लो हमारे पास गाइस साइनाइड है, और गाइस मान लो CH2 माइनस है हमारे पास नाइट्रो है, और गाइस मान लो CH2 माइनस है हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और गाइस हमारे पास CH2 माइनस है हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH, और गाइस इस जगह पे NO2 लगा हुआ है। गाइस देखो अब अगर इस पे कमेंट करने के लिए दिया जाए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखो यहां पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यहां पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यहां पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यहां पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अब अपने को डीलोकलाइजेशन ही तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी-अभी मैंने बताया जितना डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज बढ़ेगा H+ को उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, H+ को पकड़ने की कैपेसिटी कम होगी, बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो यहां पे सबसे ज्यादा इसमें सबसे लंबा एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, या हम बोल सकते हैं एक्सटेंडेड
अनशेयर्ड कंजुगेशन है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही क्या होगा गाइस, पुअर बेस होगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास कौन होगा, साइनाइड। जी नहीं, जी नहीं। अब गाइस चेक करके देखो, यहां पे साइनाइड है, यहां नाइट्रो है, यहां सीएच है, ये तो सबसे पुअर हो गया। अब इनमें से हम कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है अगर हम माइनस आई या माइनस एम की बात करते हैं तो ऑर्डर कैसा आता है, नाइट्रो आता है, फिर साइनो आता है, और फिर जाके ट्रिपल वाला केस आता है। तो सबसे जोर से कौन खींच रहा है, नाइट्रो खींच रहा है, इसके बाद कौन ज्यादा जोर से खींच रहा है, साइनो खींच रहा है, फिर कौन खींच रहा है, ये खींच रहा है। तो एक नंबर पे कौन हो जाएगा, ये, दो नंबर पे हो जाएगा साइनो, तीन नंबर पे हो जाएगा नाइट्रो, और चार पे, क्योंकि जितना जोरदार खिंचाव होगा उतना पुअर बेस होगा। यहां सबसे जोरदार खिंचाव था तो सबसे पुअर ये हो गया, उसके बाद नाइट्रो हो गया, फिर साइनो, और सबसे इन चारों में से, इन बर्बाद में से भी सबसे बढ़िया कौन है, दिस वन। तो गाइज ऑर्डर आपको समझ में आ गया, एक दो तीन और चार। गाइज अब मैं काम करता हूं, मैं बहुत सारे बेसिस टाइम बचाने के लिए फटाफट स्क्रीन पर लिख लेता हूं और चेक करता हूं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अरे बहुत सारी थ्योरी और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे, मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट। ओके गाइज मैं उम्मीद करता हूं फॉर्मल चार्ज और डीलोकलाइज चार्ज का पूरा माया जाल आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन गाइस वीर तो वो है जिसे सवाल बनेंगे। अब इसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, इसी सेम चीज को इंप्लीमेंट करते हैं कुछ शानदार टॉपिक्स के ऊपर, और देखते हैं जरा परखते हैं खुद को आता है या नहीं आता, ठीक है, समझते हैं। तो गाइस पहले सवाल की तरफ मूव करते हैं। इस नेगेटिव चार्ज को देखो, ये यहां आ रहा है, ये रेजोनेंस यहां काम कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यहां आ रहा है, यहां काम कर रहा है, यहां काम कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज है, और यहां पर ये वाला नेगेटिव चार्ज भी लोकलाइज चार्ज है। लेकिन गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, ये पहला, दूसरा और तीसरा नाइट्रोजन बेस है, चौथा एक कार्बन बेस है, क्योंकि कार्बन के ऊपर माइनस है। तो गाइस हमें बहुत बढ़िया से पता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है गाइस, हमारे पास लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिसिटी डिक्रीज होती चली जाती है, मतलब इधर से इधर जाने पर CH3 माइनस बढ़िया था, NH2 माइनस उससे कम था, OH माइनस उससे कम था, F माइनस उससे कम था, मतलब कार्बन बेसेस बेटर बेस होते हैं किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन बेस के कंपैरिजन में। तो भाई साहब यहां पे तो लोकलाइज है, डीलोकलाइज तो है ही नहीं, तो मजा आ गया, एक नंबर पे ये, दो नंबर पे ये आएगा क्योंकि ये लोकलाइज है। अब जरा डीलोकलाइज की बात करते हैं। गाइस देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, यहां नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो बेटर रेजोनेंस कहां है, यहां पर ज्यादा बढ़िया रेजोनेंस है, मतलब ये सबसे पुअर होगा। तो चार नंबर पे ये आएगा, तीन नंबर पे आएगा। गाइस जो भी मैं ऑर्डर अभी बताऊंगा सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो हो गया एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। अब जरा यहां आ जाओ मेरे भाई, यहां देखो गाइस, ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस एंड ओ माइनस, मतलब ये सब का सब कैसा बेस है मेरे भाई, ये सब के सब ऑक्सीजन बेसेस हैं, ठीक है, ऑक्सीजन बेसेस है, ऊपर में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों बेसेस थे। देखो गाइस ये हमारे पास लोकलाइज्ड चार्ज है, यहां आ जाओ, ये हमारे पास डीलोकलाइज्ड चार्ज है, यहां पूरे रिंग में घूम रहा है, ये डीलोकलाइज्ड चार्ज है। गाइस यहां पे पूरे रिंग में घूम रहा है और नाइट्रो खींच भी रहा है, इतना लंबा कंजुगेशन, ह्यूज कंजुगेशन, तो सबसे जबरदस्त डीलोकलाइज्ड चार्ज है। अच्छा तो जो लोकलाइज होगा वो सबसे बढ़िया बेस होगा, एक नंबर पे। इसके बाद यहां पर एक छोटी सी एक पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन है, दो, यहां पे तीन पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन है रिंग के साथ, तो ये तीन, और यहां पे तो पूरी तरीके से डीलोकलाइजेशन, तो सबसे कमजोर बेस हो गया चार। हो, दिस वन इज वेरी ग्रेट सवाल मैम, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, कार्बन के ऊपर है, कार्बन के ऊपर है, कार्बन के ऊपर है, दे ऑल आर कार्बन बेसेस, एग्री करते हो ना, कार्बन बेसेस है ना बेटा। अच्छा यहां पे ये नेगेटिव चार्ज रिंग के साथ रेजोनेंस में घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ घूम रहा है, ये रिंग के ऊपर घूम रहा है। गाइस ये इसके ऑर्थो पे है, तुम देखोगे जब ये यहां जाएगा तो ये वाला चार्ज यहां आएगा, ये वाला चार्ज यहां आएगा, ये वाला चार्ज उठ के यहां आएगा, मतलब गाइस जब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा होगा नेगेटिव माइनस के नाइट्रोजन के ऊपर माइनस आ रहा है, मतलब यहां पे ज्यादा बढ़िया रेजोनेंस है, ठीक है। अब गाइस यहां आ जाओ, ये गाइस जब नेगेटिव चार्ज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज अंदर रेजोनेंस कर रहा है गाइस, तो क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर घूमेंगे तो नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन के ऊपर आ सकता है, नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन के ऊपर आ सकता है। तो गाइस ये तो ज्यादा बढ़िया रेजोनेंस हुआ ना, या नहीं हुआ, हुआ ना। नेगेटिव चार्ज यहां सिर्फ कार्बन पे घूम रहा था, यहां कार्बन और नाइट्रोजन पे आ रहा है, ऑर्थो होने की वजह से इस पे आ सकता है, यहां पे गाइस दोनों नाइट्रोजन पे आ रहा है, और गाइस अगर ध्यान से देखो तो ये CH2 CH2 है, मतलब यहां पे डीलोकलाइजेशन नहीं है, ये sp3 कार्बन है, तो अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, तो ये लोकलाइज चार्ज है गाइस, तो एक नंबर पे ये आ जाएगा, दो नंबर पे ये आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन होता तो ज्यादा बढ़िया रेजोनेंस काम करता, यहां ये तीन नंबर पे आ जाएगा, और सबसे पुअर बेस जो होगा ये आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां नाइट्रोजन पे माइनस आ रहा है, जो ज्यादा स्टेबल होता है तो नेगेटिव दब के रिंग के अंदर ही घुसना पसंद करेगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव रिंग के अंदर जाएगा हमारे लिए उतनी बुरी बात है। तो ऑर्डर हो गया 1 2 3 0। हाउ आर द क्वेश्चन मैन, हाउ आर द क्वेश्चन, इट्स रियली ग्रेट, बढ़िया सवाल था।
अब हम आते गाइस कुछ विदाउट चार्ज की बात करते हैं। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ एकदम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के साथ, बेसिक सवाल के साथ। देखो गाइस, ये हमारे पास लोकलाइज चार्ज है, ये हमारे पास लोकलाइज चार्ज है, ये हमारे पास लोकलाइज चार्ज है, ऐसा तुम सोच रहे हो? नहीं, ये लोकलाइज है, ये डीलोकलाइज है, ये डीलोकलाइज है। तो गाइस हमारे पास क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज ये लोन पेयर एक ही जगह पे है, मतलब ये बहुत ही पावरफुल बेस है, ये बहुत ही स्ट्रांग बेस है। ये लोन पेयर अंदर की तरफ रिंग में चला जा रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, बेसिसिटी कमजोर हो गई। तो एक के बाद हो गया दो, और ये सबसे आसान सवाल है, ये हो गया तीन। मैंने जानबूझ के आसान रखा ताकि कुछ तूफानी आपको आगे दिया जाए। अब गाइस आ जाओ इसमें। गाइस इस बेस को तुम बहुत बढ़िया से पहचानते हो, इसको बोला जाता है क्विनोक्लिडीन, दिस इज नोन एज क्विनोक्लिडीन। अब गाइस क्विनोक्लिडीन में और ट्राइथाइल अमीन में विच वन इज मोर बेसिक, आपको बहुत बढ़िया से याद है, याद करवाया जाता है क्विनोक्लिडीन ज्यादा बेसिक होता है। रीजन क्या है गाइस, पहले तो अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज के जैसा समझे गाइस, तो क्विनोक्लिडीन इज अ कॉम्पैक्ट बेस। कैसा बेस है ये? कॉम्पैक्ट बेस है। कॉम्पैक्ट बेस का मतलब होता है गाइस जहां पर इसके सारे के सारे सिरे जो भी हैं सब एक ही जगह पे समेट के हैं, मतलब यहां पर स्टैटिक क्राउडिंग नहीं आएगी, मतलब इस लोन पेयर को डोनेट करना बहुत आसान है। इस जगह पे गाइस क्या है कि बहुत ही ज्यादा क्राउडिंग है, देख लो ये कितना बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, ये फ्री रोटेट कर सकते हैं गाइस। दूसरी चीज, आपको पता है मेरी एक्सक्लूसिव वीडियो आई है, इसमें नाइट्रोजन इन्वर्जन भी होता है, जिसको पिरामिडल इन्वर्जन बोलते हैं, अमाइन इन्वर्जन बोलते हैं, जिसके वजह से गाइस क्या होता है इस लोन पेयर की अवेबिलिटी और भी कम हो जाती है। तो गाइस सबसे बढ़िया यहां पे क्विनोक्लिडीन होगा, देन 3 डिग्री अमीन होगा। तो इस बात को अपने दिमाग में सेट करें, क्विनोक्लिडीन या कॉम्पैक्ट बेसिस बहुत स्ट्रांग होते हैं। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं। ओह दिस वन इज रियली ग्रेट सवाल, देखो कैसे गाइस इनमें विचार करना है, इन सबके पास लोन पेयर है ना, मानते हो ना, लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है गाइस, इस जगह पर भी लोन पेयर है, बिल्कुल लोन पेयर है। अच्छा जी, अब हम क्या देखेंगे, हम जरा कोशिश करते हैं इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को बताने का। तो गाइस देखो, यहां पर हमारे पास सिलिकॉन का वेकेंट डी ऑर्बिटल है, सिलिकॉन का वेकेंट डी ऑर्बिटल है, और गाइस यहां पर भी सिलिकॉन का वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो गाइस देखो, रेजोनेंस यहां पर काम करेगा विदाउट एनी रुकावट, डी और सी एस थ्री रेजोनेंस नहीं कर सकते, मतलब इस सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल के ऊपर इकलौता अधिकार इस नाइट्रोजन के लोन पेयर का है। यहां आ जाओ, ये दोनों के दोनों इसमें जा सकते हैं, लेकिन इसको टक्कर देने के लिए क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर भी हैं, ठीक है, तो ये क्लोरीन भी इसके साथ जा सकता है। तो गाइस इस NH2 को कॉम्पिटिशन मिल रहा है कि भाई मैं भी आऊंगा तुम भी आओ, तो इतना स्ट्रॉन्ग बैक डोनेशन नहीं होगा, बिकॉज इस वेकेंट ऑर्बिटल के ऊपर दो क्लोरीन और एक NH2 का अधिकार है, तो एक तिहाई में एक तरह से समझ लो इसका पार्टिसिपेशन कम हो गया, बिकॉज सिंपल सी बात है, 1/3 मौका इसको मिलेगा, 1/3 मौका इसको मिलेगा, लगभग अगर इक्वल माना जाए तो आप समझ लो यहां रेजोनेंस उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा डी ऑर्बिटल। यहां आ जाओ गाइस, ये ओ नेगेटिव आपको पता है, बहुत बढ़िया से पता है गाइस कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज डेंसिटी बूम बूम है, तो ये पूरी की पूरी ओ नेगेटिव चार्ज बूम बूम वे में सिलिकॉन को उड़ा देगी, धा 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 धा, तो मतलब सिलिकॉन पूरा गयो, सिलिकॉन का वेकेंट ऑर्बिटल नहीं बचा। तो आपको क्या लगता है NH2 का लोन पर अंदर जा पाएगा? नहीं, बहुत कम, बहुत कम। तो ये बहुत 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 कम रेजोनेंस में जाएगा डी ऑर्बिटल में, याद रखना, और ये बहुत बढ़िया से जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, जाएगा बहुत कम जाएगा, और यहां पे क्या है लोकलाइज चार्ज है। तो गाइस सबसे ज्यादा लोन पर किसके पास अवेलेबल था? जी हाँ भाई, इसके पास दो नंबर पे किसके पास अवेलेबल था? जी हाँ, इसको हल्का सा डिस्टर्बेंस है क्योंकि इसको मौका नहीं मिल रहा, तो ये खुश है अपनी जिंदगी में, दो नंबर पे। गाइस यहां पे देखो, क्लोरीन कॉम्पिटिशन दे रहा है NH2 को, फिर भी NH2 के पास एक तिहाई मौका तो है जाने का, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 नंबर पे। और गाइस यहां पे आ जाते हैं, पूरी तरीके से लोन पर अंदर घुस गया और ये 4 नंबर पे आ गया। हाउ वाज द क्वेश्चन मैन, कैसा सवाल था ये, दिल खुश हो गया ना, पसंद आया, लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ये सवाल। ओके इस सवाल पे आते हैं नाउ। अब मैं कुछ स्पेशल केसेस की बात करता हूं, ये तो विदाउट चार्ज था, अब जरा बात कर लेते हैं स्पेशल केसेस के ऊपर। गाइस देखो, ये नेगेटिव चार्ज ब्रिज हेड पोजीशन पे है, चलिए कोई बात नहीं है, ब्रिज हेड पोजीशन है, sp3 रह सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बस ब्रिज हेड को sp2 नहीं करना है, ब्रेड्स रूल का अगेंस्ट हो जाएगा, तो ये नहीं करना है। तो गाइस यहां पे नेगेटिव एक ही जगह पे है, गाइस इस जगह पे देख लो, क्या ये नेगेटिव रेजोनेंस में जा सकता है? इस तरफ आंसर है नहीं, क्योंकि अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो डबल बॉन्ड ब्रिज हेड के साथ हो जाएगा, तो ना तो ये इधर जा सकता है, ना तो ये इधर जा सकता है, ना तो ये इसके साथ डीलोकलाइज हो सकता है, लेकिन इस नेगेटिव में 3 CO का -I तो काम कर सकता है, तो -I वर्क कर रहा है, ठीक है गाइस।
यहां भी देखिए ये नेगेटिव ऊपर नहीं जा सकता बिकॉज CO है, लेकिन ये नीचे गाइस मैंने बताया था सल्फर के साथ तो जा सकता है ना। ब्रेड्स रूल क्या बोलता है कि सल्फर का साइज बहुत ह्यूज हो जाता है, तो ह्यूज साइज के वजह से ये ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड होते हैं और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ये खुद को मेंटेन कर लेता है कि ब्रिज हेड पोजीशंस पे अगर नेगेटिव चार्ज आया या ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 अगर हम बनाना चाह रहे हैं सल्फर के साथ तो ये पॉसिबल हो पाता है। गाइस मत भूलना गाइस इस केस को मैंने ब्रिज हेड में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है कि गाइस अगर मान लीजिए यहां पे सल्फर है डबल बॉन्ड हो तो ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ डीलोकलाइज्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ सल्फर। तो गाइस यहां पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, बहुत ही गंदी डीलोकलाइजेशन काम कर रही है, ठीक है। तो गाइस देखो सबसे बढ़िया केस कौन हुआ, ये वाला बिल्कुल स्टैटिक चार्ज है एक, यहां पे क्या है थोड़ा सा माइनस आई लगने से हल्का सा खिंचाव है जिसकी वजह से थोड़ा सा कमजोर हो गया दो, और सबसे बुरे हाल में ये वाला बेस है। कैसा लगा ये सवाल था ना, खूबसूरत सवाल। ओके आगे आते हैं, इस केस की बात करते गाइस, देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसका लोन पेयर इधर रेजोनेंस कर रहा है, इधर रेजोनेंस कर रहा है, इधर रेजोनेंस कर रहा है, मतलब तीन पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है। यहां पे गाइस sp3 नाइट्रोजन है, नॉर्मल रेजोनेंस किसी के साथ नहीं हो रहा। यहां पे आ जाइए sp2 नाइट्रोजन है, आपको पता है प्रोटीन का केस है, ओके इट्स ओके ठीक सा है। चौथे वाली केस में आते हैं, ये पाइरोल है, एरोमेटिक है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम गया, तो गाइस हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे बढ़िया कौन है, सबसे बढ़िया ये एक नंबर पे है। ओके गाइस दो नंबर पे कौन है, एटलीस्ट sp2 है, ठीक तो है, डीलोकलाइज तो नहीं है दो नंबर पे। तीन नंबर पे कौन, ये डीलोकलाइज है तीन पे, और ये एरोमेटिक है सबसे पीछे चला गया चार नंबर पे। कैसा था गाइस, कैसा लगा इसमें जो बैक बॉन्डिंग का सॉलिड कॉन्सेप्ट था दैट वाज यू नो एपिक। बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट को हिला के रख सकता है, सो गाइस गलती मत करना, ठीक है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट। ओके गाइस लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, और कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, मचाने के मूड में तैयार हो जाओ क्योंकि सबसे पावरफुल चीज तो लास्ट में आती है गाइस, और ये है हमारे पास एसी। जी हां एसी करंट, अरे नहीं एरोमेटाइज्ड चार्ज। एसी का मतलब होता है गाइस एरोमेटाइज्ड चार्ज, मतलब गाइस हम बात करने जा रहे हैं उस केसेस की जहां पे हमारा नेगेटिव चार्ज, जहां पे हमारा नेगेटिव चार्ज या हम ऐसे बोलें जो हमारा लोन पेयर है वो ओवरऑल सिस्टम के अंदर क्या हो गया है गाइस, एरोमेटाइज्ड हो गया, और आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। सिस्टम अगर एरोमेटाइज्ड होता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी उसके अंदर क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज रेजोनेंस एनर्जी। तो गाइस क्या होगा, अगर सिस्टम एरोमेटाइज हो गया तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, और आपको पता है कि अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन को H+ को पकड़ने की उसकी चाहत डिक्रीज हो जाती है, और जब ये चाहत डिक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बेसिसिटी क्या होगा गाइस, घट जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब सीधे और साफ लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एरोमेटिसिटी जो होगी बढ़ेगी, अगर अच्छे से काम करेगी एरोमेटिसिटी आएगी तो ऑटोमेटिकली बेसिसिटी जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक सवाल के साथ, जो सवाल आप सबने कभी ना कभी देखा है, ये नेगेटिव, अभी रुक जाओ है ना, ज्यादा खुश मत हो जाना, चीजें दिक्कत दे देंगी। अगर गाइस मैं बात करता हूं इसकी, और गाइस मैं बात करता हूं इसकी, ठीक है, अब बताओ मेरे भाई इन चारों में से अगर मैं बताऊं तो ये नेगेटिव चार्ज सबसे जबरदस्त डीलोकलाइज है। अगर मैं इसका एक मतलब इक्वल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, या मान लो ना हाइब्रिड बनाता हूं, तो यहां पे माइनस लगेगा, ये पूरी तरीके से गाइस डीलोकलाइज्ड है, पूरी तरीके से डीलोकलाइज्ड है, जबरदस्त एरोमेटिक यहां पे काम कर रहा है, ठीक है गाइस। यहां आ जाओ, यहां काम कर रहा है रेजोनेंस, यहां पे गाइस कुछ भी नहीं है, अनस्टेबल है, इंडक्टिव काम कर रहा प्लस आई, और यहां पे तो कुछ ज्यादा ही इंडक्टिव है, मतलब ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया ये, इसके बाद कौन ये, इसके बाद कौन ये, और इसके बाद कौन ये, गाइस 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 इतना सा ही होता है एरोमेटिक बेस। अरे नहीं रुको, अगर तुम बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो, तुम्हारे अंदर साइंस जिंदा है, तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा नहीं अभी गुरुजी कुछ तूफानी करेंगे, तो अब दिखाता हूं मैं तुम्हें जादू, हियर वी गो। तो गाइस ये है सवाल, और ये कुछ भी नहीं, अभी बहुत सारी चीजें और आने जा रही है, मचाएंगे हम और आप एक साथ, रुके रहना, जमे रहना, बने रहना, क्योंकि जीत उसी की होती है जो लास्ट तक रुका रहता है, समझते हैं। पहले एग्जांपल की तरफ गाइस आते हैं, आप रेजोनेंस चेक कीजिए गाइस, ये अगर यहां आता है, ये मान लो 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 यहां, ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल
ट्रेन के डब्बों के जैसा खिसक गया। देखो ये ऐसा हो गया है गाइस, ये कुछ ऐसा हो गया, यहां माइनस, ये बॉन्ड यहां आया, ये यहां आया, ये तो यहां ही था, ये तो यहां है, ये तो यहां है, ये यहां है, और गाइस ये यहां आ गया। होली गॉड, ये सिस्टम भी बन गया है क्वासी एरोमेटिक, नहीं ये तो पूरा एरोमेटिक बन गया, ये भी बन गया एरोमेटिक, दो दो सिस्टम एरोमेटिक हो गए। मतलब जबरदस्त जबरदस्त तरीके से ये सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटाइज्ड हो गया। ठीक है मेरे भाई, यहां तक तो हम आगे आते हैं। अब गाइस इस केस में देखो, ये सिस्टम अगर यहां आता है, ये यहां आता है, तो sp3 होने की वजह से ये इसी जगह पे उठ के आ सकता है, बस इतना सा रेजोनेंस। या मान लो ये यहां आया तो ये यहां आया, ये उठ के यहां आ गया, बस इतना सा रेजोनेंस काम कर रहा है, दैट्स ऑल। गाइस यहां आते हैं, यहां हमारा छोटू सा मोटू सा हल्का सा रेजोनेंस काम कर रहा है, और गाइस इस जगह पे है लोकलाइज चार्ज, एक ही जगह पे रुका हुआ चार्ज। अब आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, पहला, तो सबसे कम बेसिक कौन होगा, पहला, क्योंकि एरोमेटिसिटी जितनी बढ़ेगी बेसिसिटी घटेगी। तो हमारे पास गाइस हो जाएगा ये एक नंबर पे, ये दो नंबर पे, ये तीन नंबर पे, और ये चार नंबर पे। सबसे बढ़िया जिसमें रेजोनेंस वो सबसे पुअर बेस, और जो सबसे गंदा स्टेबल वो सबसे बढ़िया बेस। ओके मेरे भाई, आगे बढ़ते इसकी तरफ आते हैं। देखो गाइस यहां क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा, रिंग के ऊपर माइनस घूमेगा, घूम ले जरा सा, घूम लू, पूरे पे घूम लेता है। ये इधर आएगा, ये उठ के एन के ऊपर माइनस आएगा, बिल्कुल हो सकता है ये इधर आए तो एन के ऊपर फिर से माइनस आएगा, बिल्कुल ये आगे जाएगा और ये आगे उठते हुए चला जाएगा। गाइस यहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस तो इसमें भी हो रहा है एरोमेटिक का, रेजोनेंस तो इसमें भी हो रहा है एरोमेटिक का, लेकिन यहां पे दो दो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं मेरे भाई, स्टेबल होते हैं। यहां आओ, ये अंदर आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर फर्दर अगर ये आगे गया, इस पर नेगेटिव चार्ज, फिर से मान लो ये आगे गया, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो भाई यहां तीन तीन नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब मोस्ट स्टेबल ये हो गया, और यही तो हमें नहीं चाहिए बेसिसिटी के केस में। यहां आ जाओ गाइस, ये अगर यहां आया तो ये उठ के यहां आ गया, दैट्स ऑल वेरी सिंपल गाइस, सिंपल सा। तो इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन माना जाएगा, सबसे ज्यादा ये स्टेबल माना जाएगा, तो सबसे पुअर बेस, सबसे कम स्टेबल ये था, एक नंबर पे ये आ जाएगा, दो नंबर पे गाइस ये आ जाएगा, तीन नंबर पे गाइस ये आ जाएगा, और चार नंबर पे गाइस ये आ जाएगा। आई होप मजा आ रहा होगा आपको। आगे आते हैं, ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है, दिस इज वेरी वेरी ट्रिकी सवाल, समझो गाइस कैसे। अब गाइस ध्यान से देखोगे, बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इस तरीके से इसके साथ मिल गया, और जब ये इसके साथ मिल जाएगा तो ये गाइस कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखना, क्रोमेटिक सिस्टम कैसा, यहां से यहां से यहां से, और गाइस कुछ नहीं, इस जगह पे माइनस लगा हुआ, यही तो है, माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये हो गया पहला। अब गाइस ये यहां जाएगा तो ये उठ के ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो गाइस यहां पर भी एरोमेटिसिटी आ गई, बिल्कुल एरोमेटिसिटी आ गई, कैसे, यहां डबल, यहां डबल, यहां डबल, और ओ के ऊपर माइनस। अच्छा गाइस यहां देखो, ये गाइस अगर यहां आएगा तो ये गाइस यहां आएगा, ये गाइस यहां आएगा, तो गाइस ये कैसा बन गया हमारे पास, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये हो गया B, ये हो गया CH3, यहां हो गया डबल, यहां हो गया डबल, यहां हो गया डबल, और गाइस क्या हो गया, यहां से सिंगल और इस जगह से डबल, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, और यहां बोरन के ऊपर क्या आ गया, माइनस। अच्छा ये तो गाइस लोकलाइज चार्ज है, तो गाइस आप जरा समझो, यहां पर कंपैरिजन करना मुश्किल होता है, बहुत ही ट्रिकी सवाल है। गाइस देखो, बोरन भी सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है और कार्बन भी सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, लेकिन गाइस अगर तुम यहां भी देखोगे, यहां इस नेगेटिव चार्ज को खींचने की जस्ट एक बोरन की वेकेंट ऑर्बिटल ही ड्राइविंग फोर्स है, मतलब बोरन का जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो माइनस को खींच रहा है, दैट्स ऑल, दब से चला गया। यहां क्या है गाइस, यहां इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर इस वेकेंट ऑर्बिटल के कंपैरिजन में बहुत पावरफुल है, कैसे, इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है, यहां पर भी sp2 का वेकेंट ऑर्बिटल है, खींच तो ये वहां भी उसी पावर से रहा है जिस पावर से यहां, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन लगा हुआ है तो विथड्रॉइंग बढ़ गई, क्योंकि जैसे ये यहां आएगा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, तो आपको पता है बोरन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.04, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.44, तो गाइस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मच मच पावरफुल है, तो ये जबरदस्त तरीके से खींचेगा, तो क्या होगा गाइस, ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ सी डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा अब गाइस जरा चेक करते हैं, तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा गाइस, सबसे पावरफुल हमारे पास हो जाएगा ये चार नंबर वाला, इसके बाद कौन हो जाएगा, तीन नंबर वाला, इसके बाद कौन हो जाएगा, चार, तीन, और इसके बाद हो जाएगा एक, और सबसे लास्ट में हो जाएगा दो, दो नंबर यही था ना, जी हाँ, क्योंकि दो में सबसे जबरदस्त रेजोनेंस है। अब आप बोलोगे सर आपने तीन में और एक में कैसे कंपेयर किया, ये बता दीजिए, तीन में और एक में, तो गाइस देखो यहां बी पे नेगेटिव आ रहा है और सी एस थ्री थोड़ा सा धकेल रहा है, तो नेगेटिव अनस्टेबल ही तो हो रहा है, यहां पर ऐसा कोई भी धकेलाव नहीं है, इसीलिए गाइस सी एस थ्री की वजह से हल्का सा ज्यादा बेसिक हो जाएगा दिस वन, इसके कंपैरिजन करेक्ट आंसर क्या हो गया, चार, तीन, एक, दो। गाइस समझो समझो समझो,
ये तो गाइस ये जो एग्जांपल्स देख रहे थे ना, ये सारे के सारे एग्जांपल्स थे नॉर्मल। अब आता है कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट। गाइस आप में से कई बच्चे मुझे अक्सर पूछते हैं कमेंट में, मैं देखता हूं कि सुपर बेस क्या होता है। गाइस देखो गाइस, सुपर बेस का मतलब हो गया मतलब सुपर बेसिक कंपाउंड्स। तो गाइस देखो, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो बहुत सुपर बेसिक होते हैं। जैसे कि आप इस कंपाउंड को देखो, ये वाला कंपाउंड, यहां डबल बॉन्ड मान लो, यहां पे डबल बॉन्ड N और यहां पे मिथाइल है, और यहां पर N मिथाइल मिथाइल N मिथाइल मिथाइल। अब गाइस ये सुपर बेस है कैसे, अगर मैं इसको H+ देता हूं तो कहां लगेगा, यहां पे, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां पे नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। तो गाइस ये कैसा हो जाएगा, देखो ये ऐसा हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखना कैसा, यहां पे डबल, इस जगह पे नाइट्रोजन दो मिथाइल, यहां पे नाइट्रोजन दो मिथाइल, गाइस यहां पे नाइट्रोजन एक मिथाइल, और क्या हुआ गाइस, ये H देखना, ये नेगेटिव चार्ज यहां आया और ये H यहां से आके कनेक्ट हो गया कनेक्ट, और पॉजिटिव चार्ज कहां पे आया, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आया, और इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आने का क्या मतलब है, क्वासी रोमेटिसिटी। तो ये पूरा का पूरा चार्ज कहां चला गया, डीलोकलाइज हो गया। तो गाइस ये एक सुपर बेस है, ऐसे बहुत सारे सुपर बेसेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्वानिडीन, ये भी बहुत पावरफुल बेस है, इसको मैं बोलता हूं क्या, देखो मैं इसको क्या बोलता हूं, यहां से है NH2 और डबल बॉन्ड है NH। गाइस ये बहुत पावरफुल है, पर उतना तो नहीं जितना NaOH और KOH, पर उसको टक्कर जरूर दे सकता है। कैसे गाइस, ये लोन पर यहां आता है, ये प्लस M, ये लगा रहा है प्लस M, ये लगा रहा है प्लस M, इसको लोडेड मैकेनिज्म बोलते हैं, गन के साथ धा 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 गोलियां चल रही है प्लस M, ये तो बार बार गाइस इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ती चली जाती है। और गाइस इसका नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि जब यहां पर NH2H आके लगता है पॉजिटिव, और पे NH2, यहां पर NH2, तो गाइस ये फिर से यहां के यहां, तो जो पॉजिटिव चार्ज है ये तीन तीन नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाता है, डीलोकलाइज्ड। तो गाइस आप देखो, जनरली हमारे ऑर्गेनिक में प्लस को कम मूव करते हुए देखते होंगे, यहां पे मूव कर रहा है। तो गाइस ग्वानिडीन भी एक बहुत ही पावरफुल सुपर बेस है। लेकिन गाइस अगर मैं बोलूं कि चाहे ग्वानिडीन हो या ये हो, इनमें से कोई भी बेस टॉप थ्री ऑर्गेनिक बेसिस में नहीं है, तो आपको आश्चर्य होगा, दुनिया के टॉप तीन बेसिस में से कोई भी इनमें से नहीं है। तो कौन है दुनिया का सबसे टॉप थ्री बेसिस, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो इसका मैं आंसर देता हूं गाइस, तीन नंबर पे जो बेस है टॉप थ्री में, थर्ड पे जो है वो है CH3-। CH3-, गाइस CH3-, 2008 तक सबसे पावरफुल बेस था, ठीक है, 30 साल तक, 30 इयर्स तक ये सबसे पावरफुल बेस माना जाता था मिथाइल कार्बन एनो, हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका कंजुगेट एसिड जो है CH4, ये बहुत ही पुअर है, इसका पीके वैल्यू 50 होता है। तो गाइस आप समझ सकते हो इतना पुअर एसिड है तो कंजुगेट बेस कितना स्ट्रांग होगा। ये गाइस है तीन नंबर पे, आपको पता है गाइस दो नंबर पे कौन है, दो नंबर पे गाइस है LiO और LiO-। गाइस इसको बोलते हैं लिथियम मोनोऑक्साइड। इसको सबसे पहले टियांस नाम के एक साइंटिस्ट ने इसके पता लगाया था, टियांस एंड टीम इसके कलीग्स ने। इसमें गाइस लिथियम ऑक्साइड जो था ये दूसरा वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बेस है, जिसकी हाइड्रोजन गेन एंथैल्पी 782 किलो जूल पर मोल है। मतलब इतनी पावर के साथ ये एच को खींचता है, मतलब लगभग में 1.782 मेगा जूल पर मोल, बहुत दुनिया का सेकेंड नंबर का सबसे पावरफुल है। अब गाइस दिमाग में आता है गुरुजी फिर एक नंबर पे कौन है, गाइस 2008 के से लेके 2018 तक ये पावरफुल था, 2008 से 2018 तक ये एक नंबर पे माना जाता था, लेकिन 2018 में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने एक नया बेस बनाया जिसने पूरी दुनिया बदल डाली, और वो बेस था ये, कौन सा, ये बेस, इसको बोलते हैं गाइस ऑर्थो डाइथाइनाइल डायनायन, है ना, ऑर्थो डाइथाइनाइल बेंजीन डायनायन। गाइस इसकी हाइड्रोजन गेन एंथैल्पी उसकी कितनी थी, 1782 थी गाइस, इसकी 1843 किलो जूल पर मोल है, मतलब गाइस 1.843 मेगा जूल पर मोल, ये आज तक के मानव इतिहास का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन गेन एंथैल्पी है, ये सबसे पावरफुल सुपर बेस है। दूसरा हमारे पास गाइस मेटा डाइइथाइनाइल बेंजीन डायनाइन ये, और अगला हमारे पास है पैरा डाइथाइनाइल, दिस वन। तो गाइस एक नंबर पे आता है ये डाइथाइनाइल वाले, दो नंबर पे आता है लिथियम मोनोऑक्साइड का गैसेस वेपर, और तीन नंबर पे आता है CH3। वो गाइस 30 साल तक था, 2008 तक, वो था 2008 से 18 तक, और ये अप टू डेट हो जाओ 2018 से लेके अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं फेब 2020 तक, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं कभी भी, तो अभी तक का ये था। अगर कोई हुआ इसके बीच में तो मैं जरूर एक वीडियो आपको बना के दूंगा। गाइस कैसा लगा, मजा आ गया ना,
पूरी की पूरी बेसिसिटी को हमने धागे के जैसा खोल दिया। बहुत मजा आया होगा आपको इस ट्रिक में, FC, DC और AC ट्रिक में। गाइस अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए, हमारी डिटेल कोर्सेज अनअकैडमी पर भी अवेलेबल है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आप हमारा कोड यूज करें IITian Explains, आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और मेरी तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिससे पर्सनल केयर की बात होती है वो आपको मिलेगी। तो गाइज फटाफट जुड़ जाओ और लास्ट में मैं बता ही दूंगा, और बस अभी इतना ही बोलूंगा, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओके गाइज, तो जैसा कि आप क्लियर देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ टीचिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइव, एज वेल एज मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, और मेरे कई सारे कोर्सेज राइट नाउ अभी चल रहे हैं गाइज। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 3rd February से भी मेरी कई कोर्सेज आने वाली है, बहुत सारी कोर्सेज आपके पास गाइज नजर आएंगी। अब गाइज यहाँ पे आप फटाफट देख लीजिए आपको प्लस पे आने के लिए क्या करना होगा। गाइज तो मैं बता देता हूँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि JEE बहुत ही बढ़िया रैंक के साथ क्लियर की जाए, तो आप प्लस पे जरूर आए। इसको मजाक या लाइटली मत लेना। आप 1 month का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 6,000 पर मंथ में, 3 month का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 12 month का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बेस्ट होगा, रिकमेंडेड भी है, और मेरे हिसाब से भी 12 month का आप सब्सक्रिप्शन लें मात्र 2,500 पर मंथ। गाइज ये कोटा और किसी कोचिंग के कॉम्पेरिजन में 1/10th part से भी सस्ता है गाइस। तो आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जब सब्सक्रिप्शन लें तो कोड यूज करें गाइस IITian Explains। इस कोड का यूज करने पर आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे एक पर्सनल केयरिंग वाली जो बात होती है कि ये बच्चा हमारे थ्रू आया वो हमें दिखेंगी। तो गाइस आप जरूर आए, हमारा कोड यूज करें और बिल्कुल मचाएं, ठीक है ना गाइज। तो 1 month, 3 month, 12 month, 6 month जो ठीक लगे, मैं रिकमेंड करूंगा 12 मंथ का। गाइज हमारी बहुत सारी कोर्सेज हैं जहां पे सुपर टीचर पढ़ा रहे हैं, एकदम बेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं। तो गाइज फटाफट आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है, टेक केयर।